चाचा चौधरी और करबेक का सोना। वह ट्रक बाएं रास्ते की तरफ मुड़ गया लगता है, हमें भी उधर चलना चाहिए। यह आपने कैसे जान लिया? वह देखो, बाएं रास्ते की सड़क पर पेड़ की पत्तियां गिरी पड़ी हैं। इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि ट्रक इधर ही गया होगा। तुम बढ़ते चले जाओ साबू, थोड़ा आगे जाने पर तुम्हारे साथ टकराने से सड़क पर लटकती टहनी की पत्तियां टूटकर गिर गई हैं। उस ट्रक के साथ भी यही हुआ होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मेरी पगड़ी। चाचा जी, धूप तेज हो गई है। लेकिन हम जब तक उस ट्रक को ना पकड़ लें, ठहर नहीं सकते साबू। जोगा ट्रक को लिए बढ़ता गया। ओह, गर्मी बढ़ गई है, तेज प्यास लगी है, कहीं ट्रक खड़ा करके पानी की तलाश करनी चाहिए। जोगा ट्रक को रोकता है। शुक्र है, कुआ करीब है। कुएं में पानी तो है, लेकिन बहुत नीचे है। इधर ट्रक के पास। लगता है ट्रक वाला खरबूजे लाद कर मंडी में बेचने जा रहा है। ड्राइवर का कहीं पता नहीं, दो चार खरबूजे ही हड़प लिए जाएं। वह ट्रक पर चढ़ता है तो चौंक जाता है। सोना। वह दबे पांव जोगा के पीछे जाता है और उसे कुएं में धक्का दे देता है। आई। और फिर ट्रक को ले उड़ता है। इस पर तगड़ा माल हाथ लगा है, इतना सौदा कौन खरीद सकता है? साहूकार बशखरी राय, उसी के पास चलना चाहिए। आओ जंबो, इस बार क्या लाए हो? बड़ी उम्दा चीज साहूकार बशखरी राय। किसी सोते हुए के कपड़े उठा लाए या किसी की घड़ी पार कर दी? नहीं, सोना। अंगूठी, नेकलेस या कानों की बालिया? नहीं, बाहर जाकर ट्रक में देखो। इतना सोना, पूरा ट्रक भरा हुआ है। इसका क्या दोगे साहूकार? तुम हमेशा 10 रुपए की चीज के 10 पैसे देते हो, उसी हिसाब से इस सोने के मैं 1 करोड़ मांगता हूँ। जंबो, इतना रुपया तो मेरे पास होगा भी नहीं, मगर ये सौदा मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं साहू धनपत राय के पास चला जाता हूँ, उससे सौदा पड़ जाएगा। तभी वहाँ गोलियों की आवाज गूंज उठती है। अब ये सोना मेरा है, अच्छे सौदे को बशखरी राय कभी हाथ से जाने नहीं देता। सारे सोने को ले जाकर गोदाम में डाल देता हूँ, मामला ठंडा पड़ने पर थोड़ा थोड़ा निकाल कर बेच दूंगा। साबू, वह ट्रक जाने ना पाए। साबू ट्रक के पीछे दौड़ लगा देता है। मैं कुछ ही मिनटों में इसे पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। ओह, थाम लिया, अब यह ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। साबू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर भागते हुए ट्रक को रोके रखा। कम्बक ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक्सीलेटर पूरा दबा देता हूँ। ओह, लकड़ी का फट्टा निकल आया। साबू की गिरफ्त से अचानक छूटने और एक्सीलेटर पूरा दबा होने के कारण ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराया। चाचा जी, ट्रक ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। बेचारा, मैं कहीं आसपास से प्रोफेसर करबेक को फोन करके बुलाता हूँ। सूचना मिलते ही प्रोफेसर करबेक दौड़ा आया। प्रोफेसर, तुम्हारा ट्रक उधर खड़ा है, अपना सारा सोना संभाल लो। वह सोना जानलेवा है, मैं एक दूसरा सोने को लोहे में बदलने वाला पाउडर लाया हूँ। मैंने सोने पर पाउडर छिड़क दिया है, कुछ ही मिनटों में यह दोबारा लोहे में परिवर्तित हो जाएगा। चौधरी, देखो, खालिस लोहा।
लेकिन सोने का ये टुकड़ा जो छिटक कर दूर जा गिरा था पाउडर से वंचित रह गया है। इसे मैं यादगार के रूप में अपने पास रख लेता हूँ।